हम बात कर रहे हैं टीवी टाउन की फेमस अभिनेत्री दिशा वक्कानी की, जिन्होंने दयाबेन के किरदार से काफी ज्यादा चर्चा बटोरी फेमस कॉमेडी शो तारक मेहता के उल्टा चश्मा में। लेकिन बीते 2 साल से दिशा इस शो से दूर हैं, जिसकी वजह से उनकी कमी काफी ज्यादा फैंस को हर रही है। बता दें हम आपको, शो को लेकर तमाम अपडेट सामने आई, ये भी खबर आ गई है अब कि दिशा की जगह नई दयाबेन शो में लाई जाएगी, क्योंकि दिशा ने अपने वादे को निभाने से अब पीछे की तरफ अपना कदम कर लिया है। गौर हो मैटरनिटी लीव के लिए दिशा वक्कानी लास्ट 2 साल पहले गई थी मां बनने के बाद, जिसके बाद सितंबर में उनकी वापसी की खबरें थी लास्ट ईयर। लेकिन अब तक फिर 1 साल होने वाला है, लेकिन दिशा लौट नहीं रही है, जिसे मेकर्स काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठा रहे हैं। अब समझ सकते हैं आप, माँ बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान दिशा वक्कानी रही मदरहुड इंजॉय करने के लिए, और माँ होने का फ़र्ज निभाने के लिए उन्हें अपने टीवी शो से भी बाहर रहना पड़ा। दयाबेन के रोल से अब उन्हें धक्का मिल सकता है। खबर है कि इस शो के लिए नई दयाबेन के तौर पर तमाम नाम में से एक नाम सुमोना चक्रवर्ती का भी है, जिन्होंने कपिल शर्मा की वाइफ का रोल प्ले किया था उनकी कॉमेडी शो। बता दें सब टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल की पत्नी दयाबेन के किरदार से जमकर तारीफें, बीते कई सालों से लूटती आई हैं दिशा, इसलिए उन्हें दोबारा देखने की अब तक उम्मीद कायम ही रही। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।